आज के इस वीडियो में प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए क्या अपडेट आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को कैसे मार्किंग करी जाएगी और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आगे का, तो इस टाइप के जो कॉमन डाउट्स है वो मैं CBSE ऑफिशियल से पूछ के आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखें। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्ज़ाम्स हालांकि पोस्टपोन्ड करे गए हैं, बट अगर केसेस कम नहीं हुए तो उनके भी क्या पता जो 10th की तरह आपका क्राइटेरिया इस टाइप का क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। इसलिए आपको पूरी तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी। और जो 10th के स्टूडेंट हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स, जैसे कि कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स, तो उनका ये डाउट आ रहा है कि क्या कैसे हमें मार्किंग करी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे डाउट्स मैं अभी CBSE ऑफिशियल से पूछने वाला हूँ। मतलब डिले ज़रूर हुई है, बट क्योंकि CBSE ऑफिशियल आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल से कॉन्टैक्ट होता है, कई बार तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। बट आप जैसा मेरे को पता चला है तो आप एक बार सुन लें, मैंने आपके मैक्सिमम डाउट पूछने की कोशिश करी है। लेट्स गो गो गो। हेलो CBSE। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। से बताइए क्या क्वेरी है? मैम मेरे को पूछना है इम्प्रूवमेंट के जैसे मार्क्स कैसे दिए जाएंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स को। हाँ मैम, जो रेगुलर वाले होंगे उनको तो स्कूल से कर दिया जाएगा मार्किंग। आप कहाँ के हो? हम दिल्ली से। नहीं नहीं, कंपार्टमेंट के? नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट प्राइवेट। वेट कीजिए सर, अभी हर किसी, हमें भी पता है कि हमारे 10th में बच्चे इम्प्रूवमेंट भी है, कंपार्टमेंट भी है, रेगुलर भी है, तो वेट कीजिए नया सर्कुलर आने का। सर कैसे मार्किंग होगी, कैसे होगा, सब होगा, वेट कीजिए। अच्छा मैम, और मैम जैसे लास्ट ऑप्शन तो रहेगा ही ना एग्जाम देने का, क्योंकि नोटिस में पढ़ा था मैंने। सर, वो तो है ही, जिसको जिसको दिक्कत है अपने एग्जाम से वो लास्ट में एग्जाम दे सकता है, जिसको अपने मार्क्स से दिक्कत है। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। तो मिला होगा ये सुनने के बाद कि जो CBSE है वो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेगी। ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रख दिया और प्राइवेट कैंडिडेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, आपके लिए भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया कराया जाएगा। और लास्ट में जैसे कि मैंने कन्फर्म किया था कि जो लास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो फाइनल ऑप्शन तो आपके पास है ही कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी बात करी थी, तो आगे मैं डिटेल्स में आपके लिए और कन्फर्मेशन लाते रहूँगा टाइम टू टाइम। और फ्रेंड्स, आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप वो कमेंट्स में पूछ लें ताकि वो भी मैं कवर कर सकूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।